समीरा अजीज फ्रॉम सऊदी मीडिया एंड आई एम अ चेयरपर्सन ऑफ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये जो मौजू है जिस पर मैं बात करने जा रही हूँ ये टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स की आपसी चक्कलश का मौजू है, लेकिन बात कत्लो गारत गरी तक पहुंच गई। और मैं इस मौजू पर वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं इस न्यू जनरेशन को ये बावर करा सकूँ कि वॉच इट, ये कौन लोग हैं जिन्हें आप फॉलो कर रहे हैं, ये एक नई नस्ल किस तरफ जा रही है, किस तरह के लोगों को अपना रोल मॉडल बना रही है। इस वाक़े के हैं पूरे चार किरदार। एक तो हैं बदला ब्रादर जिनका नाम है अहमद अली मुगल और उनके भाई हैं बकर ब्रादर। इन दोनों के मुताबिक इन दोनों को विक्टिम बनाया है नदीम नानी वाला ने जिनका नाम है नदीम मुबारक, और अपनी नानी के साथ जो है वो टिकटॉक वीडियोस बनाने की वजह से मशहूर हुए नानी वाला के नाम से, और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, कहा ऐसा जा रहा है कि डकी भाई जो कि अपना बदला लेने के लिए बदला ब्रादर से इस नहज तक पहुंचे कि बात मरने मारने तक कत्ल व गारत गरी तक उतर आई। इस कदर क्रिमिनल माइंडेड और ऐसी क्या बात थी कि बदला ब्रादर और उनके जो भाई हैं बकर ब्रादर उन पर हमला हुआ। उसकी वजह ये थी कि जो बदला ब्रादर हैं वो हैं एक रोस्टर, वो रोस्टिंग वीडियोस बनाते हैं। इट मींस मजाया या ह्यूमरस अंदाज में क्रिटिसिज्म करना, कॉमेडी करना, और इसमें कुछ तनकीद सच्ची भी हो सकती है और कुछ यूं ही अजराही मजाक भी हो सकती है। सच्ची तनकीद का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने आप को बेहतर बनाने के हामिल बन सकते हो, तो इसके लिए कहना चाहिए शुक्रिया। और जो अजराई मजाक होती है या जो गलत तनकीद होती है उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए जब तक कि आपकी जो ज़ाती किरदार कशी जो है वो ना हो रही हो। एक ज़रूरी बात मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं किसी ऐसे रोस्टर को एक्सेप्ट करने को नहीं कह रही जो गालियाँ पककर अपनी बात कहते हैं या किसी की किरदार कशी करते हैं। नो, अहमद अली मुगल उर्फ बदला ब्रादर ने जो कहानी बताई उसके मुताबिक नदीम नानी वाला उसको अगवा करने के जुर्म में अपने साथियों समेत अरेस्ट हो चुका था। मुझे बहुत खुशी हुई पुलिस की आला कारकर्दगी, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इनकी जमानत हो गई और राजीनामा करना पड़ा। बदला ब्रादर ने मुझे जो बताया आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने लिखा कि मुझे प्रेशराइज्ड किया, मुझे अपनी फैमिली की फिक्र थी, मैं ही लीड करता हूँ फैमिली को, इसलिए इससे माफीनामा साइन करवाया, सुलानामा, वरना उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर केस बना दिया था। आगे उन्होंने ये लिखा है कि पुलिस ने सब में पैसे खाए, मेरे वकील तक बिक गए थे, मेरे अपने वकील, यही सब ने प्रेशर डाला कि इन्होंने उल्टा केस बना दिया तुम दोनों भाइयों पर, इसलिए केस वापस ले लो। फिर वापस ले ली हमने अपनी फैमिली के बारे में सोचकर। अगले मैसेजेस में बदला ब्रादर ने मुझे ये पिक्चर भेजी राजीनामे की और लिखा ये है, ये बहुत ताकतवर है, जालिम है, मेरे पास इतनी दौलत नहीं कि इनका मुंह भर दूं, इसीलिए माफ़ीनामा साइन करवाया। इस मामले को समझने के लिए मैं आपको पूरा हादसा जो है वो बताना चाहूँगी, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर नदीम नानी वाला और उसके साथी पकड़े ना जाते तो क्या होता। ऑब्वियसली बदला ब्रादर शायद आज इस दुनिया में ना होते, तो ऐसी सूरत में माफ़ीनामा लिखवा कर छोड़ देना मुजरिम को, क्या इससे किसी भी माशरे में जुर्म का कला कमा हो सकता है, ये एक सवाल है। अलाइड बैंक डस्का के बाहर तकरीबन रात 10 बजे ये वाकया हुआ। हुआ ये कि नानी वाले की प्लानिंग के मुताबिक उसके चार साथियों समेत उसने मुझे अगवा कर लिया, लेकिन बकर ब्रो मेरे साथ था, वो रेजिस्ट करके बच गया। क्योंकि शोर की वजह से कुछ राहगीर गाड़ी की तरफ भाग कर आए, तो इस वजह से नानी वाले ने जल्दबाजी में कहा कि इसको छोड़ दो, बकर ब्रो को छोड़ दो, सिर्फ मुझे ही ले चलो। बकर ब्रादर ने अपने भाई के लिए शोर मचाया, बदला ब्रादर को वो लोग फिर भी ले गए। लोग जमा हो गए, वहाँ पर मौजूद लोगों में से एक के मोबाइल से बकर ब्रादर ने पुलिस को 15 पे कॉल की, थाना वहाँ से करीब ही था, वहाँ मौके पे मौजूद लोग चश्मदीद गवाह बने। यहाँ पर पुलिस ने अच्छा किरदार अदा किया, फौरन नाकाबंदी की और कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने गाड़ी बंगला चौक से कॉलेज रोड की तरफ और वहाँ से सियालकोट रोड की तरफ भगाई। उसके तीन साथी जो पीछे से घुस के मुझे पकड़े हुए थे और चौथा साथी असद जो कि खुद टिकटॉकर है वो भी अगली सीट पे बैठा था और नानी वाला गाड़ी चला रहा था।
बदला ब्रदर का ये बयान है कि उन पर तशद्दुद भी किया गया और इसके अलावा इस तशद्दुद की वीडियोस भी बनाई गई। यकीनन ये वीडियोस नदीम नानीवाला और उसके साथियों के पास होंगी, जो कि खुद अपने आप में एक बहुत गहरा सबूत है। लेकिन ये सबूत पुलिस यकीनन उसी वक्त निकलवा पाती अगर जमानत ना होती और मुलजिम जो है वो आगे तफ्तीश के मराहिल पे जाता। थोड़ा सा आगे जाने के बाद इन तीनों ने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और असद टिकटॉकर ने आगे से वीडियोस बनाना शुरू कर दी। नानीवाला फुल फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में, अना में, गाली गलोच वाले अल्फाज यूज करते जा रहा था और ये तीनों मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहा था। मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया, झूठी कस्में उठवाने पे मजबूर किया, फलाना फेमस यूट्यूबर तेरा अब्बू है ये भी कहने पे मजबूर किया। आखिर वो फेमस यूट्यूबर कौन है? कहा यह जा रहा है कि वो डकी भाई हैं जिनकी वजह से नदीम नानीवाला ने ये तमाम मुजरिमाना कार्रवाई की। इसके अलावा बदला ब्रदर का कहना है कि चलती हुई गाड़ी में उनको फ़ोन करवाया गया, जो कि डकी भाई को फ़ोन किया गया था, जिनसे बदला ब्रदर ने माफ़ी भी मांगी। यही नहीं बल्कि वो जो तमाम मैसेजेस जो डकी भाई और बदला ब्रदर के दरमियान हुए थे उन सबको भी डिलीट कर दिया गया। मैंने डरती हुई, लड़खड़ाती हुई, कांपती हुई आवाज के साथ उस फेमस यूट्यूबर से माफी मांगी, मगर उस फेमस यूट्यूबर ने कहा कि नहीं, इसको छोड़ना नहीं जब तक ये वीडियोस ना डिलीट करे। चैट्स तो बदला ब्रदर के मोबाइल से उन्होंने डिलीट कर दी, लेकिन बदला ब्रदर ने बहुत मार खाने के बावजूद भी वो वीडियोस डिलीट नहीं की। कौन सी वीडियोस? वही रोस्टिंग वीडियोस होंगी जो डकी भाई के लिए बदला ब्रदर ने बनाई थी, और ये वही डकी भाई हैं जो खुद भी रोस्टिंग वीडियोस से दूसरों को निशाना बनाते रहे हैं। तो फिर उनको इस बात पर क्या एतराज है, वो बात समझ में नहीं आई। इतना एतराज कि आप इस मुजरिमाना हरकत पर उतर आए। इधर जब हम मोतरे की नहर के ऊपर से गुजर रहे थे तो नानीवाले ने कहा कि इसे नहर में फेंक दो, लेकिन हुआ ये कि इसको एक कॉल आ गई। कॉल सुनने के बाद कहता है कि थाने में रिपोर्ट हो गई है, तेरे भरा ने रिपोर्ट कर दिया, अब दुश्मनियां बढ़ गई ने। तो जनाब अगवा करने वालों का ये कहना था कि पुलिस में शिकायत क्यों की तो दुश्मनी तो हो गई पक्की, अब राजीनामा होने के बाद और जमानत में छूट जाने के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि बदला ब्रदर और उसके खानदान वालों को यही मुजरिमाना जहनियत के हामिल दुश्मन आइंदा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी के फौरन बाद जो इनके पास दो बंदूकें थी, इन्होंने एक बंदे को दे के वहीं रास्ते में ही कहीं उतार दिया। ये बार बार घुमा रहे थे, यू टर्न लेके ऐसे घुमा रहे थे, यानी कि मोतरे की नहर से दो मर्तबा गुजरे। क्योंकि रिपोर्ट हो चुकी थी इसलिए ये मोटरवे पे नहीं थे चढ़ सकते, इन्होंने फौरन पकड़े जाना था। मोटरवे पे टोल टैक्स के लिए जब गाड़ी रुकती तो बदला ब्रदर शोर मचा देते और इन तमाम अगवा कार लोगों को पकड़े जाना था, इसलिए ये मोटरवे पे चढ़ना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने गाड़ी कच्ची सड़क किसी गांव की तरफ मोड़ ली, लेकिन आगे रास्ता बंद होने की वजह से, पैलियां वगैरह होने की वजह से मजबूरन इनको दोबारा सियालकोट रोड के ऊपर ही आना पड़ा। अगवाकारों को वो फोन किसने किया था जिससे उन्हें पता चला कि उनके खिलाफ रिपोर्ट हो चुकी है? खैर इससे फायदा ये हुआ कि उन लोगों ने बदला ब्रदर को रास्ते में ही उतारा और सियालकोट की तरफ भाग निकले। अगवाकारों को पल पल की खबर मिल रही थी, उन्हें ये भी पता चल गया कि पुलिस में रिपोर्ट कराई जा चुकी है, एनी शाहिदीन भी मौजूद हैं, लेकिन अगवाकार अल्लाह से बड़े नहीं थे कि अल्लाह की मर्जी के आगे मुदाखलत कर सकते। अगवाकारों को इस बात का भी अच्छे से इल्म था कि पुलिस तेजी से पीछे से आ रही है, आगे नाकाबंदी भी कर दी गई है, तो बदला ब्रदर से जान छुड़ा लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है, इसलिए उन्हें बदला ब्रदर को उतारना पड़ा। जब वो आगे सीधा सियालकोट की तरफ भाग गए तो मैंने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और मुझे रोना आ गया। 5-10 मिनट बाद पुलिस का एक डाला आया, उन्होंने मुझे पूछ के अहमद अली अंदर बिठा लिया और गाड़ी फुल स्पीड से भगाई। जब आगे जाके देखा तो नानीवाला अपने तीन साथियों समेत गिरफ्तार हो चुका था, क्योंकि पुलिस ने हर तरफ नाके लगा दिए थे। चूंकि मौके वारदात पे मुलजिम पकड़े गए थे तो इसलिए फौरन FIR दर्ज हो गई। 365 दफा का अगवा करने का नॉन बेलेबल केस, यानी कि जिसकी जमानत नहीं हो सकती, दर्ज हो गया। लीजिए नॉन बेलेबल केस दर्ज हो गया, लेकिन उसके बावजूद मुजरिमाना जहनियत के हामिल लोग बाहर घूम रहे हैं। राजीनामा हो गया, राजीनामा क्यों हो गया,
उसकी वजह अब मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बता दी। आज वो मुजरिम जहनियत के लोग जो है वो आज़ाद दन दनाते फिर रहे हैं, आप उन्हें फॉलो करते हैं, सोचने का मुकाम है। नदीम नानी वाला या डकी भाई अपना मौका देना चाहते हैं तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अदर साइड ऑफ द स्टोरी को अगर मुलविज़ खातिर रखा जाए तो फिल वक्त नदीम नानी वाला के ये कमेंट सामने आए हैं जिसमें अभी डेवलपमेंट बाकी है। आप सोशल मीडिया में खबर देख रहे होंगे कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ अगवा के पर्चे में और मैं जेल में हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बदला ब्रदर जो कि डिस्का का रहने वाला एक रहायशी है, उसने मेरे ऊपर एक झूठी अफवाह दी। उसने हमें खुद बुलाया सीजन 4 होटल में और एक ड्रामा दूसरा बचाया और उसने नंबर बनाने के लिए हमारे खिलाफ FIR दी, जो कि एक झूठी FIR थी जिसको पुलिस ने चंद घंटों में उड़ा के साइड में फेंका। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द एक्सपोज वाली वीडियो भी आएगी इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द करेगी और बदला ब्रो सलाहों के पीछे होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो जनाब ऑब्वियसली मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, मा सलामा, बाय बाय।